दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पूरे वर्ल्ड में तीन तरह के पार्टी सिस्टम होता है। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जो रशिया में और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो होता है वहाँ पे है। कम्युनिस्ट कंट्री में वन पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं होता है। दूसरा जो होता है टू पार्टी सिस्टम, या इसको बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे यूएसए में है और ब्रिटेन में है। और तीसरा जो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जिसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज कोअलिशन गवर्नमेंट भी करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, इटली, और हमारा देश भारत भी उसमें आता है। पहले आपको ध्यान रखना है तीन तरह के पार्टी होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी हम लोग हमारे देश भारत में जो पार्टी सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, इसका रिकॉग्निशन कौन करता है? उसका रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसीड्योर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर करता है। क्यों रजिस्टर करते हैं, कैसे वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, उनको पार्टी सिंबल भी दिया जाता है, नेशनल पार्टी को दिया जाता है और स्टेट पार्टी को भी दिया जाता है। उनका पोल परफॉर्मेंस के ऊपर उनको पार्टी सिंबल दिया जाता है, ठीक है, पार्टी सिंबल नहीं, पोल परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलता है, और इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल देता है, ठीक है। मैं आपको अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रिकॉग्नाइज पार्टी होता है वो जब नॉमिनेशन करेंगे तब एक ही प्रपोजर चाहिए, और ये जो रिकॉग्नाइज पार्टी होते हैं उनके लिए जो स्टार कैंपेनर होते हैं इलेक्शन टाइप में कैंपेनिंग करने के लिए, 40 स्टार कैंपेनर वो ले सकते हैं कैंपेनिंग के लिए। लेकिन जो रिकॉग्नाइज नहीं है, रजिस्टर नहीं है, ठीक है, वो 20 स्टार कैंपेनर ले सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे नेशनल पार्टी बन पाएगा, या कौन सा क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी होने के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट, वैलिड वोट, कोई भी चार स्टेट में या चार से भी ज़्यादा स्टेट में जनरल इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर अगर 6% वैलिड वोट पाता है तो उसको नेशनल पार्टी कहा सकते हैं। अगर एक कंडीशन और भी है, अगर चार लोकसभा का सीट कोई भी स्टेट या बहुत सारे स्टेट में उसका आता है, चार लोकसभा सीट, तब जाके वो भी नेशनल पार्टी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2% लोकसभा सीट में, लोकसभा इलेक्शन जो होता है जनरल इलेक्शन, वहाँ पे 2% सीट लेता है, या कैंडिडेट जो होते हैं तीन राज्यों में अगर जीत के आते हैं तब जाके वो भी नेशनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन पा पाएगा। तीसरा कंडीशन ये है, अगर कोई स्टेट पार्टी चार राज्यों में रिकॉग्नाइज हो गया स्टेट पार्टी के हिसाब से, मान लीजिए एक पार्टी है चार राज्यों में स्टेट पार्टी के हिसाब से रिकॉग्निशन उसको मिल गया, तब जाके वो भी नेशनल पार्टी हो पाएगा। ये था आपका नेशनल पार्टी कैसे सिंबलाइज या कैसे रिकॉग्निशन होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट, वैलिड वोट, स्टेट का जो जनरल इलेक्शन होता है असेंबली के लिए वो पाता है, तब जाके वो क्या हो पाएगा स्टेट पार्टी। या तो असेंबली जो इलेक्शन होता है वहाँ पे 2 सीट अगर उसको मिल जाए तब स्टेट पार्टी हो पाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वैलिड वोट पाता है जनरल इलेक्शन में, लोकसभा में, जो राज्य में इलेक्शन, जो राज्य को बिलोंग करता है वहाँ पे अगर लोकसभा में 6% वोट पाता है और एक लोकसभा का सीट अगर कम से कम मिल जाए तब जाके वो स्टेट पार्टी हो पाएगा। और ये भी एक कंडीशन है,
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 3% लेजिस्लेटिव असेंबली का जो जनरल इलेक्शन होता है वहाँ पे वोट पाता है, ठीक है, या तो 3 MLA सीट पाता है, तब जाके वो स्टेट पार्टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और भी एक कंडीशन है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक सीट लोकसभा का जीतता है, मान लें हर 25 लोकसभा सीट में एक सीट अगर जीत गया, तब जाके वो भी स्टेट पार्टी हो सकता है। और एक कंडीशन है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 8% टोटल वैलिड अगर वोट पाया, टोटल वैलिड वोट्स स्टेट का जो जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए या असेंबली के लिए, तब जाके वो भी स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन उसको मिल पाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे, जो नेशनल पार्टी होता है उसको ऑल इंडिया पार्टी कहते हैं, और जो स्टेट पार्टी होता है उसको रीजनल पार्टी भी कहते हैं। जब पहले जनरल इलेक्शन हुआ हमारा देश भारत में 1952 में, उसी समय नेशनल पार्टी टोटल 14 था और स्टेट पार्टी जो था 39 था, 39 स्टेट पार्टी था और 14 नेशनल पार्टी था। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ नेशनल पार्टी के बारे में, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका सिंबल हैंड होता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्लॉक होता है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फ्लावर और ग्रास होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो होते हैं हैमर सिकल स्टार होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल होता है, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लोटस होता है, बहुजन समाजवादी पार्टी एलिफेंट होता है। देखिए अभी 7 जो कहते हैं, अभी भारत में 7 कुल मिला के 7 नेशनल पार्टी है और बहुत सारा स्टेट पार्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये था आपका पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप आराम से कर सकते हैं। विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।